भाई क्या खा रहे हो? खास माल खा रहे हो कोई तुम? आराम से आराम से आराम से। क्या यहाँ समर्थन में आयो? रैली में? हाँ रैली में आता। क्या क्या रैली क्या चल रही है अभी? हमारे जो जो जेल में बंद है वो अंकल जी छुड़िया है। वो अंकल जी छुड़िया है। अंकल जी? हाँ। क्या नाम है अंकल जी का? राहुल जी गांधी। राहुल जी गांधी? राहुल गांधी जेल में नहीं है मेरे भाई, ये भाई असर है। राहुल गांधी नहीं, केजरीवाल जेल में। जो राहुल जी गांधी आए ना वो छुड़वाएंगे, कोशिश करेंगे। वो छुड़वाएंगे, वो कोशिश करेंगे। अब बताओ कौन किसको छुड़वाएगा? पता नहीं अंकल जी। अरे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं तेरे से पूछना है। ये सलाखें कब हटने वाली है? आज ही हटनी चाहिए वैसे तो। इसमें कहीं सिसोदिया जी, कहीं जैन साहब भी लगा लेते हैं। गलत के लगा रखे यार, इस जगह पे मोदी होना चाहिए। मेरे मामा काउंसलर हैं, उनके लिए हम सब भाई आए हैं। वो आम आदमी पार्टी में? मैं हाँ, निगम। अच्छा, और आप किसको पसंद करते हो? मोदी मोदी जी, अगर आपको 400 पार है, आप इतना कॉन्फिडेंस में हैं, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। आम आदमी वाले तो मुद्दे नहीं पता होता। अच्छा, कांग्रेस वाले सब जानते हैं? कांग्रेस वाले सब जानते हैं, ये तो नई नई पार्टी उछली है अभी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। हम छुड़ाने आए, समर्थन में आए। छुड़ाने आए सीधा ही? हाँ सीधा। यहीं से घर ले जाओगे? हैं, अगर भेज देते हैं ले जाएंगे घर यहीं से। क्या बात है। केजरीवाल जी जिन नेताओं को भ्रष्ट बोलते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन है, क्या चल रहा है? केजरीवाल को छुड़वाना है। सरप्राइज अनकट, सब्सक्राइब अनकट, सरप्राइज अनकट। गिरफ्तार नेताओं के कई पोर्टफोलियोज आतिशी जी को मिले हैं, कहीं लगता तो नहीं मुख्यमंत्री भी बनेंगे? वो मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल लायक हैं। अब की बार मोदी की सरकार, सबके बंद हो जाएंगे रोजगार, सबके बिक जाएंगे दुकानदार। और भूल पहले रेड़ पड़ती है उनसे, फिर उनसे चंदा लिया जाता है, फिर उनको और बिजनेस दिया जाता है। क्या इस तरह से सरकार चल रही है? आंटी जी आंखें उतार लीजिए केजरीवाल वाली। या आप केजरीवाल जी की नजर से ही देखना चाह रही हैं सब कुछ? हाँ जी। अगर इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है तो वो सबूत दे। इतने डेढ़ साल से, पिछले कितने दो साल से मनीष सिसोदिया जी ने अगर अच्छा काम किया उनको जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी ने अच्छा काम किया उनको डाल दिया, संजय सिंह जी ने आवाज उठाई उनको डाल दिया। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, हम इसके साथ हैं, हम खुद गवाह हैं इस चीज का। हम आम घरों के बच्चे और हम इसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सर आपका बोतल मिल रहा है 450 का, ओवरा मिल रहा था 225 का, एक पेटी पर एक पेटी फ्री। मिक्स नारा कोई है? मिक्स नारा क्या रहेगा? राहुल गांधी जिंदाबाद। और क्या? केजरीवाल जी रह गए? केजरीवाल जिंदाबाद। और कोई नेता? और कोई सब बेकार है, सब बेकार है। गठबंधन में भी? हाँ गठबंधन में भी। केजरीवाल तेरी सोच दे। बस का टिकट फ्री, हर चीज, बिजली का बिल दिलो आता है सब होगा। लेकिन केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो है ना बहुत नाजायज हो गया है। ऊपर वाले ने भेजा इनको एक। अच्छा हाँ। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। केजरीवाल जी से मिलोगे तो क्या बोलोगे? केजरीवाल लव यू। इस संविधान के बदौलत ही देश का चाय वाला पे प्रधानमंत्री बन जाता है। हाँ। और इस संविधान के बदौलत ही देश का प्रधानमंत्री जाने वाला है अपना झोला उठा के। बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेगा। ना मणिपुर याद आ रहा है, ना लद्दाख याद आ रहा है, चाइना हमारी बॉर्डर पे घुसा चला जा रहा है जी। और हम कर क्या रहे हैं जी? हम ताली बजा रहे हैं, पूरे देश को बंद कर दो ना। पूरे देश को ही तुमने कब जाइ तो कर रखा है। भाजपा घबराई हुई है इंडिया लाइन से। यहाँ मर्द आए हैं, यहाँ मर्द है मर्द। रामलीला मैदान में भाजपा से लोहा लेने के लिए आम आदमी पार्टी के सारे समर्थक हैं फुल तैयार, क्योंकि केजरीवाल जी हो गए हैं गिरफ्तार। आज रामलीला मैदान में हम लोग मौजूद हैं और यहां पर समर्थकों से जानेंगे कि आखिर इस गिरफ्तारी के बाद उनके क्या मुद्दे हैं और इंडिया अलायंस को लेकर उनका क्या कहना है। तो आइए बात करते हैं। तो भैया क्या कहना है आपका? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल तेरी सोच दे। केजरीवाल छूटेगा। जब जब मोदी डरता है, मोदी तेरी तना
इंचार्ज है और यहाँ पर हम आगे भी चलेंगे और बाकी कार्यकर्ताओं से भी जानेंगे कि आखिर उनका इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना है। क्या जितना मर्जी बड़ा तानाशाही हो वो समंदर को कैद नहीं कर सकता। अच्छा, केजरीवाल एक समंदर है। केजरीवाल वो शख्स है किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर पे, समंदर किसी दरिया पे नहीं गिरता। आज नहीं तो कल वो आएंगे सैलाब बनकर आएंगे। पता है कौन से कानून में अंदर हुए केजरीवाल साहब? वो तो बोल रहे हैं ना ये पैसा है कि कोई शराब नीति बनी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत काम है। कानून के बारे में शराब नीति का कानून है ना जिसमें वो कह रहे हैं PMLA एक्ट है। हाँ, तो कुछ लगा ही नहीं है। हाँ, लगा ही नहीं, वो तो एक्ट तो लगा ही नहीं, उसके लग गया अभी, लगा ही नहीं है उसी के अंदर। तो वो तो ईडी वालों ने ऐसे ही किया हुआ है, ऐसे कैसे कर देंगे ईडी वाले? खराब है वैसे तो, मोदी जो मर्जी कर सकता है, जितने चोर है उतने ईडी वाले खराब है वैसे। वो तो है ही है बिल्कुल। और तो नहीं किसी को अंदर ले लेंगे? लेंगे, अब जिसने गलत काम किया उसको ले लेना है सुने। मोदी का काल आ गया, मोदी का काल। फुल जोश में हो? फुल जोश, फुल जोश। अच्छा बताओ आए क्यों? केजरीवाल के समर्थन में आए मैं भाई। केजरीवाल को लाने वाले एक हफ्ते के अंदर जेल से बाहर आ रहा हुआ। सच्ची में बताओ, ये तो बीजेपी का कौला मुद्दा मारने के पंजाबियों की कहावत है। क्या बात है कि जिसने पंजाब से पंगा लिया उसका कौला मुद्दा बदल है। यार ये सारे पंजाबी हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर से भी है भाई। पंजाब के कोने कोने से, लुधियाना पंजाब, हिंदुस्तान के कोने कोने से आया हुआ है। कोने कोने से? मैं बिहार से आया हूँ, बिहार से। क्या बात है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। दिल्ली में केजरीवाल को स्पोर्ट्स सपोर्ट करने आया हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया, तू बिहार से आए हो? यस यस, इसको जानते हो, व्यापम घोटाला के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। क्या बात है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि केजरीवाल जी के समर्थक हो या RJD के समर्थक हो? मैं महागठबंधन का सपोर्ट में, जो हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा मैं उसका समर्थन करूंगा। यार भाजपा वाले कह रहे हम भी हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं ये भी। अरे भाई कितने बड़े हिंदुस्तानी है, वो मुझे सब दिख रहा है। SBI का कितना बड़ा चंदा काट काट के घर अपने भर रहे हैं। आम वोटर पागल नहीं है, उसको सब पता है कि कौन हिंदुस्तान के सपोर्ट में है, कौन उसके सपोर्ट में नहीं है। नीतीश कुमार बोल रहा था कि मैं भाजपा में मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। अब वो भाजपा में चले गए, उससे जाके एक बार और पूछ लो। क्या बात है, उनसे भी पूछ लेंगे। ईडी के डर से सरकार चेंज कर दिया। तो अब केजरीवाल जी के लिए क्या कहना चाहते हो? केजरीवाल ने कसम खा लिया मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा लेकिन हिंदुस्तान के लिए लड़ूंगा। उन्होंने मोदी को मना कर दिया इसलिए उन्होंने जेल भेज दिया जानबूझ के। जेल में कितने दिन रखोगे? 5 तारीख को। कितनी को? 5 तारीख को। तो जो बाकी 3 नेता उनको कब बाहर लाओगे? वो भी आ जाएंगे सरकार बन जान दो पर। अच्छा सरकार बनने के बाद भगवान तुम्हारे साथ है, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। भाई पूरे भगवंत मान लग रहे हो, क्या चक्कर है? भगवंत मान तो है यही, लेकिन केजरीवाल भी हैं। तो केजरीवाल जो है ना एक नाम नहीं है, एक सक एक कोई सोच सच व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल एक सोच है। अच्छा। जो कि पूरे पंजाब में एक एक दिल में बसता है, पूरी दिल्ली में एक एक दिल में बसता है, पूरे देश में लोगों के दिलों में बसता है। क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो काम के नाम पे वोट मांगता है। ये संविधान की प्रति लेकर चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि संविधान की बदौलत ही देश का चाय वाला पे प्रधानमंत्री बन जाता है। हाँ। और इस संविधान की बदौलत ही देश का प्रधानमंत्री जाने वाला है अपना झोला उठा के। क्या बात है। और केजरीवाल जी? केजरीवाल जी बाहर आने वाले हैं क्योंकि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल जी छूटेंगे। नरेंद्र मोदी को केजरीवाल से इतना भयानक डर हो चुका है कि ये जानबूझकर रणनीति के कारण राजनीति कर रहे थे केजरीवाल को तोड़ा जाए। लेकिन केजरीवाल एक आंधी है, तूफान है, समुद्रों का लहर है और जिस दिन ये जेल से छूट गया आम आदमी पार्टी के सामने कोई पार्टी टिकने वाली नहीं है, ये पूरा भारत बोल रहा है। और युवाओं के साथ तो मोदी जी खिलवाड़ कर रहे हैं, झूठे झूठे वादे करके हमसे वोट लिए हैं। इन वोटों का हम जवाब देंगे इस बार और इंडिया गठबंधन के साथ पूरे मिलजुल कर हम केजरीवाल। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार है इस बार। 400 में 2 जोर उठाए थे, 4 में डब्बा पे आ गया। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, भारत माँ का एक ही लाल केजरीवाल। केजरीवाल अब की बार मोदी की सरकार, सबके बंद हो जाएंगे रोजगार, सबके बिक जाएंगे दुकानदार और
भूल गया। क्या लगता है क्या करने आए हैं कांग्रेस वाले यहाँ? कांग्रेस ये रैली है। अरे आइए ना, फिर बात बताइए। अरे आइए, कांग्रेस आइए। आप तो गुस्सा करके बताएं कांग्रेस वाले क्यों आए हैं यहाँ? कांग्रेस ये पूरे देश को बचाने के लिए आए हैं। कांग्रेस पहले गोरों से लड़े थे, अब काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। ये जब मोदी और अडानी की सरकार चल रही है ना देश को लूटने के लिए, देश को पहले रेड़ पड़ती है, उनसे फिर उनसे चंदा लिया जाता है, फिर उनको और बिजनेस दिया जाता है। इस तरह सरकार चल रही है ना। मणिपुर याद आ रहा है ना, लद्दाख याद आ रहा है, चाइना हमारी बॉर्डर पे घुसा चला जा रहा है और हम कर क्या रहे हैं जी? हम ताली बजा रहे हैं। ये हम ये इसलिए रह गए हैं, ये जो सरकार चल रही है देश से रोजगार छीन रही है, गरीबों को और गरीब कर रही है, अमीरों को और अमीर कर रही है। जो हमारी 70 साल में सरकारी कंपनियां बनी थी उनको सब प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, कुछ पूंजीपतियों को हाथ में। आसाम का मुख्यमंत्री देखो, कहते हैं महाराष्ट्र का चीफ मुख्यमंत्री देखो, सारे के सारे वही भ्रष्टाचारी वही जा रहे हैं। भैया जो चोर है वो वही जाएगा, मतलब जो कहीं भी भ्रष्टाचार कर रहा था वो भाजपा में जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा ही दलदल है, वही सोत्र है, भ्रष्टाचार का सोत्र भाजपा है। तो क्या लगता है कि कहीं जो जेल के अंदर सब नेता है कहीं भाजपा की तरफ तो नहीं? अरे भैया ये जेल में नहीं है, ये जानबूझ कर डाले जा रहे हैं। भाजपा घबराई हुई है इंडिया लाइन से, यहाँ मर्द आए हैं, यहाँ मर्द है मर्द। क्या लगता है दिल्ली में जो 7 सीटों पे चुनाव होने वाला है उसका क्या नतीजा? सातों जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। रैली का कुछ फल निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, हर जंग का कोई ना कोई निकलता है, फल निकलता है। और पंजाब की जहाँ तक बात करिए, ये वो पंजाब का पानी वो पानी है जो हर जंग के खिलाफ, हर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। केजरीवाल जी आ जाएंगे बाहर? क्यों नहीं आएंगे, आना चाहिए, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्यों नहीं आएंगे यार? तो रोष है पूरा? बिल्कुल रोष है, ये बिल्कुल रोष है, हर किसी के खिलाफ कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ वहां पर कहते हैं झारखंड में नहीं किया इन्होंने, वहां के चीफ मिनिस्टर को, हर किसी को जो इनके खिलाफ लड़ा उठा के बंद कर दो, पूरे देश को बंद कर दो ना, पूरे देश को ही तुमने कब जाइ तो कर रखा है। हमारे देश की लड़ाई महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ जहाँ पर? हाँ। क्या किया बताओ? किसानों के साथ क्या हो रहा है? छोटे दुकानदारों के साथ क्या हो रहा है? अन्याय ही अन्याय हो रहा है। मतलब गुस्सा है अंदर? गुस्सा है यार, गुस्सा क्यों नहीं होगा यार। तो ऐसा है भैया, इसके लिए लड़ेंगे, कोई बाहर पाकिस्तान लड़ेगा इंडिया के लिए आके? पाकिस्तान लड़ेगा क्या इंडिया के लिए आके? इंडिया के लोग ही लड़ेंगे इंडिया के लिए। सही बात है, एक बार नारा लगा दीजिए केजरीवाल जी के समर्थन में, नारा लगा। भारत के लिए पाकिस्तान कौन लड़ेगा? हम ही लड़ेंगे। इधर एक नारा लगा दीजिए फिर केजरीवाल के लिए। केजरीवाल जिंदाबाद, इंडिया लाइन जिंदाबाद, बोलो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जिंदाबाद, और सारे जिंदाबाद है। और सीटें आएंगी इस बार? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद। भारत देश को बचाना है और इंडिया लाइंस को लाना है। बहुत बढ़िया, किसी इंडिविजुअल तो यहाँ पर आपने देखा कि भैया एक रोष तो है मन के अंदर, कि एक रोष इस चीज का कि यहाँ पर जो है जितने भी नेता है उनको उठाकर जेल में डाला जा रहा है, उन पर कोई ना कोई मुकदमा लगाया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल इलेक्शन के बाद। दुख तो है थोड़ा सा, आगे भी चलते हैं, लोगों से जानेंगे क्या है उनके मन की बात। हम तो सर केजरीवाल जी के सपोर्ट में आए, हम कालका जी से पूरी टीम आई हमारी। अच्छा, हम अतीशी मैम के साथ हैं। सांसद का टिकट आपको? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सांसद मात्र का नहीं है, हम सिर्फ केजरीवाल के सपोर्टर हैं, मैडम अतीशी के सपोर्टर हैं, हमारे मैडम हमारी नेता अतीशी मैम है। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे पूछूं, अतीशी जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? ये आपको पता होगा, हम तो हमारे सामने कितना गुस्सा किया नहीं, हमारे हम तो गलत बात पे गुस्सा आता है ना, अगर पुलिस ऐसे उनके साथ करेगी, बदतमीजी मोदी के साथ है और लेकिन हमारा साथ नहीं देगी आम आदमी का, तो उनको तो गुस्सा आएगा ना ऑटोमेटिकली। गिरफ्तार नेताओं के कई पोर्टफोलियोज आतिशी जी को मिले हैं, कहीं लगता तो नहीं मुख्यमंत्री भी बनेंगे? देखिए ये तो पार्टी फैसला करेगी कौन क्या बनेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल लायक हैं। अच्छा। बिल्कुल लायक हैं। आप खास समर्थक हैं सर? समर्थक सर जो मर्जी है, हैं तो हैं है तो हैं। मतलब अगला विधायक का चुनाव लड़ो? नहीं, ये कन्फर्म नहीं है, बाकी सब ठीक है। भाई साहब इधर कोई नया चल रहा है कांड? वाह जी वाह, भारत जोड़ो यात्रा वाला पोस्टर यहाँ भी लेके घूम रहे हैं? हम लोग तो भारत यात्रा जोड़ो, ये पुराना पोस्टर लेके क्यों घूम रहे? क्या करें, एबीसी में साथ में है। कांग्रेस वाले नया पोस्टर नहीं दे रहे क्या? नहीं दे रहे, टोपी नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं, पैसे खत्म है? पैसे क्यों खत्म है? पैसा तो है ही है, पैसा है इनके पास, पैसे बहुत है, पोस्टर क्यों नहीं देते? पोस्टर नहीं, पुराना ही काम चला रहे हैं लोग। अब इनके जैसा मोदी जैसा थोड़े है कि वहाँ से 1 करोड़ आ रहा है, वहाँ से 4 करोड़ आ रहा है, अब बैठा दे रहे हैं ईडी का, केजरीवाल घोटाला में बंद कर दिए,
बोलिए आप ये मानते हैं उनका सारा काला चिट्टा आ चुका है। सर आपका बोतल मिल रहा है 450 का, ओबरा मिल रहा था 225 का, एक पेटी पर एक पेटी फ्री। अच्छा मतलब मजे लगे हुए थे। हाँ ओबरा तो लोगों को पीने में हर आदमी पिया। हाँ, चाहे किसी पिया? नहीं मैं तो पिता ही नहीं हूँ, मैं पिता ही नहीं हम लोग। लेकिन लोगों को सस्ती दारू मिली। हाँ सस्ती दारू मिली, बढ़िया बात थी। बढ़िया बात नहीं थी, पहले का माल था, स्टॉक था, वो हटा दिया। सरकार तो टैक्सी ज्यादा इसलिए लगाती है कि लोग कम पिए। नहीं देखिए टैक्सी की बात नहीं है, पीने वाला तो महंगा होगा तब वो पी रहा है, सस्ता हो रहा है तब वो पी रहा है। अच्छा पीने वालों को कोई नहीं रोकेगा। और केजरीवाल जी ने बढ़िया काम किया था, सस्ती दारू बढ़िया काम किए और आज भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा बिजली फ्री, पानी फ्री, मोदी ने क्या किया, कहा अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, बुरा दिन आ गया पब्लिकों के लिए, ना रोजी है ना रोजगार है, क्या किए हैं बोलिए। केजरीवाल आया, स्कूल सुरक्षित हो गया, हॉस्पिटल सुरक्षित हो गया, पानी बिजली। ये बताओ आप केजरीवाल जी के सपोर्टर हो या कांग्रेस के? भाई देखिए हम लोग पहले तो कांग्रेस हैं पक्का, अब रह गया गठबंधन हुआ है तो हम लोग उनके साथ हैं। वाह क्या बात है, एक बार नारा लगा दीजिए। मिक्स नारा कोई है? मिक्स नारा क्या रहेगा, राहुल गांधी जिंदाबाद और क्या, केजरीवाल जी रहेंगे, केजरीवाल जिंदाबाद, और कोई नेता और कोई, सब बेकार है, सब बेकार है। हाँ। गठबंधन में भी? हाँ गठबंधन में भी। कहाँ से आए आप? सर हम डिस्ट्रिक्ट मोगा। डिस्ट्रिक्ट मोगा पंजाब से आए? हाँ जी पंजाब से। यहाँ पर पंजाब वाले क्यों दिखाई दे रहे हैं सब? केजरीवाल की सोच के हम मतलब बहुत ही, केजरीवाल जी एजुकेटेड और ईमानदार पर्सन है, हम हमेशा ही शुरू से ही उनकी सपोर्ट करते हैं। तो जे मोदी जी बहुत मतलब लोकतंत्र का गान कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। भाजपा वाले तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से निकली पार्टी है, भ्रष्टाचार में फंस गई है। ये अगर वो ये बात कर रहे हैं तो जितने भी उनके नेता हैं, वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार जब होता है तब वो आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों ऐसे बलात्कारियों को भी जमानत मिल जाती है जो इनके नेता हैं अब तक, क्यों वो ऐसे लोगों को अपने अंदर शामिल करवा रहे हैं जिनको दूसरी पार्टियों से भ्रष्ट कह के निकाला जा रहा है? अगर ये सब चीजें अगर इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है तो वो सबूत दे। इतने 1.5 साल से, पिछले कितने 2 साल से मनीष सिसोदिया जी ने अगर अच्छा काम किया उनको जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन जी ने अच्छा काम किया उनको डाल दिया, संजय सिंह जी ने आवाज उठाई उनको डाल दिया, और आज इनको पता है कि एक ही काल है बीजेपी का, वो है अरविंद केजरीवाल। तो जैसे कैसे ईडी की सहायता लेके इन्होंने वो करा दिया। अगर इनको इतना ही लगता है, क्यों ये आम जनता की आवाज नहीं बंद कर पाते? क्यों आम जनता भी वीडियोस बना बना डाल रही है कि अगर आपको ईडी से बचना है, सीबीआई से बचना है, तो आप बीजेपी का एक मफलर डालिए, टोपी डालिए और आप क्लीन है। क्यों बोल रही है जनता? जनता का मुंह बंद करें अगर इनको इतना ही लग रहा है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, हम इसके साथ हैं, हम खुद गवाह हैं इस चीज का, हम आम घरों के बच्चे और हम इसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाँ भाई लगाओ जरा। हाँ मेरे इधर भी केजरीवाल, इधर भी केजरीवाल, सब जगह केजरीवाल है, तो इनसे भी पूछते हैं एक बार। अच्छा आंटी एक चीज बताइए मेरे को, जब तो सतिंदर जैन जी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, तब ये महारैली क्यों नहीं हुई जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे हो रही है? देखिए उस टाइम इन्होंने ये कहा था कि हम इनकी जांच करेंगे, न्याय की हिरासत में ले रहे हैं, उसके बाद एक बिना किसी सबूत के झूठे बयान के आधार पे इन्होंने हमारे सीएम को, पहली बार हुआ है ये इतिहास में कि इन्होंने एक सीएम को सिर्फ बयानों के आधार पे गिरफ्तार किया है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो मतलब आपको लगता है कि निर्दोष है केजरीवाल? बिल्कुल निर्दोष है केजरीवाल, और मोदी का काल है ये केजरीवाल। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो ऑल ओवर दिल्ली में ठेके खुले थे वो ठीक बात थी? देखिए उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में जो चेंजेस किए हैं, अब आपको पता है एक्साइज पॉलिसी जो है हमारे देश की ना एक रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी की। अब मोदी को ये डर है कि अब अगर केजरीवाल जी ने इसमें चेंजेस किए, वो देश के भले के लिए सरकारी खजाने में पैसा आ रहा है, तो अब मोदी तो हिलेगा ही हिलेगा, वो इनकी इनके घरों में नहीं जा रहे हैं, वो देश के लिए खर्च हो रहे हैं पैसे। तो ये कह रहे हैं कि जो पहले पैसा आता था ना एक्साइज का वो ज्यादा आता था, अब कम हो गया, नहीं एक्साइज पॉलिसी अब कम हो गया, अब कम नहीं हुआ, कम हो गया। ऐसे देखिए सर आप जो मर्जी कहिए, अब जो कंट्रोल है ना वो कंट्रोल भ्रष्टाचारियों से कंट्रोल करके सरकार अपने हाथ में ले। बहुत
लिया मैम, थैंक यू सो मच। बोलिए मैं भी केजरीवाल। मैं भी केजरीवाल। भाई आप भी केजरीवाल हो? यस सर, यहाँ पे जितने हैं सारे केजरीवाल हैं। सारे केजरीवाल हैं। कहाँ से आए हो? हम लुधियाना से आए हैं। भाई सारे पंजाबी क्यों हैं भाई यहाँ पे? ऐसा सर, पंजाब वाले देख चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर सकती है और क्या किया इन्होंने हमारे लिए, हेल्थ लेके, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे वहाँ पे बिजली फ्री कर दी, तो पंजाबी खुश होकर खुद ही पहुँच गए हैं। अच्छा। बाकी आप देख सकते हो एक केजरीवाल को पकड़ा, उसके पीछे लाखों केजरीवाल है। अब ये लाखों को पकड़ेंगे तो करोड़ों आएंगे, किस किस की आवाज को दबाएंगे? ये सलाखें कब हटने वाली है? आज ही हटनी चाहिए वैसे तो। हट जाएंगी? हट जाएंगी। खुदकुदी तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं, नहीं हो रही। इसमें कहीं सिसोदिया जी, कहीं जैन साहब भी लगा लेते हैं? गलत के लगा रखे यार, इस जगह पे मोदी होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, इस जगह पे मोदी होना चाहिए। तब आप टी शर्ट पहनोगे यही वाली? यही पहनेंगे। अच्छा, उनको भी छुड़वाओगे फिर? उनको भी छुड़वाएंगे। मोदी जी तो ऐसे हैं नहीं, बाकी जो जिनको बंद कर रखा है। इन सलाखों में सिर्फ केजरीवाल जी दिख रहे हैं, बाकी केजरीवाल दिख रहे हैं तो उनकी हाई भी पार्टी है तो उनके आदमी कोई नहीं। अरे बीजेपी में जो भ्रष्टाचारी उनका एक आदमी अरेस्ट हुआ। अरे सिसोदिया जी बेचारे अंदर है, जैन साहब अंदर है इधर। सर धीरे धीरे कानून अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे वो भी छूट जाएंगे। लेकिन इल्जाम सर अभी तक साबित नहीं हुआ, इल्जाम कुछ नहीं साबित हुआ। सच्चाई होती है, सच्चाई होती है, सच्चाई जीतेगी, उनका काम जीतेगा, उनका कर्तव्य जीतेगा। मोदी 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 के समर्थन में हो? हाँ जी भाई, लगाया तुमने केजरीवाल का वो है समर्थक, तुम मोदी के हो एमसीडी के लिए? भाई किसके समर्थक हो? मेरे हम समर्थक हैं अपने के। अच्छा अपने के? हाँ। तो क्या कहना है? जब जब सर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये देश के अंदर एक्सरसाइज चल रही है ना, वो चीज़ गलत है। आप विपक्ष को बोलने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ोगे, वो चीज़ गलत है। मैं समझ गया, लेकिन भाई ये अपने का समर्थक क्या होता है? अपने का समर्थक ये है कि मेरे मामा काउंसलर हैं, उनके लिए हम सब भाई आए हैं। वो आम आदमी पार्टी में है? हाँ, निगम। अच्छा, और आप किसको पसंद करते हो? देखो जी वो तो ऑफिशियली बात है, वो तो आपके सामने कई मोदी 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 है ना, वो रियलिटी है। नहीं मतलब मामा के चक्कर में आपने ये लगा रखा है। हाँ। और अपने चक्कर में आप कह रहे हो मोदी मोदी है ना, तो भाई। हाँ। ये चल क्या रहा है मामला? जनता भी ऐसी कर रही है क्या? और क्या, पीछे जो बोर्ड लगा है ना उसमें मोदी जी का बोर्ड है, उसमें लिखा है कि विपक्ष बोल रहा है भ्रष्टाचारियों को बाहर लाओ और मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाओ। आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो एक ही है, अगर भ्रष्टाचार आप मिटाना चाहते हो। हाँ। तो सर्वप्रथम आपने महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं मिटा पाया? हाँ। प्रफुल्ल पटेल लो आप, है ना, इनाम उल कुछ करके भाई का नाम, कुछ नाम था, उन्हें आप क्यों नहीं ले पाए? हाँ। और सुन लो, दूसरी चीज वो है जो सांसद के अंदर खुले मंच से अमित शाह जी ने कहा था असम के सीएम के लिए कि ये तो सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता है, आपने उसे क्यों लिया? आपने उसे सीएम क्यों, मुख्यमंत्री क्यों बनाया असम का? तो उसके लिए कुछ है नहीं, ये सब हो गया। तो फिर आपको मोदी जी क्यों पसंद है? एक दिल की भावना है यार, कह देते हैं। एक तरफ तो होना पड़ेगा ना यार, मतलब आप कह रहे हो एक तरफ की ये है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि यार अंदर केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल ये पलट गए, केजरीवाल शुरुआत की थी मोदी से। हाँ भाई क्या खा रहे हो? खास माल खा रहे हो कोई तुम? आराम से धीरे धीरे भाई। हाँ वो कहना मैं नमक वाली चिप्स खा रहे हैं? चिप्स खा रहे हैं। कहाँ से आए हो? मैं त्रकमान गेट से आऊँ, सामने से। वाह जी वाह, तो मतलब क्या यहाँ समर्थन में आए हो? हाँ, रैली में? हाँ रैली में आता। क्या क्या रैली क्या चल रही है? रैली अभी यही चल रही है कि अभी हमारे जो जेल में बंद है वो अंकल जी छुड़िया है। अंकल जी? हाँ, क्या नाम है अंकल जी का? राहुल जी गांधी। राहुल गांधी जेल में नहीं है मेरे भाई, ये भाई हंस रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, केजरीवाल जेल में है। केजरीवाल जेल में है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन। जो राहुल जी गांधी आए ना वो छुड़वाएंगे, कोशिश करेंगे। वो छुड़वाएंगे, वो कोशिश करेंगे। राहुल गांधी नहीं छुड़वाएगा, हम सब मिलकर छुड़वाएंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भाई ये गठबंधन की सरकार है। नहीं मेरे को इनकी सुनने दो पहले यार। हाँ आप बताओ कौन किसको छुड़वाएगा? पता नहीं अंकल जी। अरे थोड़ा सा, नहीं नहीं तेरे से पूछना है, तेरे से। तुम्हें साथ बताओ, तुम्हें पहले तेरे से बताओ, ये कह रहा मेरे साथ से पूछना, पहले भाई से पूछना। नहीं 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 पहले बताओ, ये कह रहा कि राहुल जेल में। अरे दो मिनट, जेल में राहुल गांधी जी जेल में।
नहीं सॉरी केजरीवाल केजरीवाल अच्छा केजरीवाल जेल में, तो उनको छुड़वाएंगे कौन? मोदी जी ने छुड़वाएंगे, मोदी जी ने करवाया है सब कुछ जो करवाया है, छुड़वाएगा कौन है? अब छुड़वाएंगे जो हमारी पूरी पब्लिक जनता आई है। आप मेरी बात सुन ली सर, हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 रहेगी। अच्छा सुन सुन यार, तूने डब्बा फेंक दिया नीचे, उठा पहले उठा, हाँ इसमें रखेगा। कौन सी क्लास में हो? मैं तो सातवीं क्लास में। सातवीं क्लास में? यार लगते तुम बहुत बड़े हो। पढ़ना नहीं, गोश्त ज्यादा काटता हूँ। अच्छा गोश्त ज्यादा काटते हो, लेकिन केजरीवाल जी के समर्थक हो? केजरीवाल जी के समर्थक हो? मैं जो झाड़ू वाले ना उनके साथ हूँ मैं। अच्छा वो झाड़ू वाले अंकल? हाँ मेरे गली में आए थे हमारी वो। अच्छा हाँ जामा मस्जिद में आए थे हमारे। बढ़िया लगते हैं, बहुत अच्छे। क्या बात है, अभी अंदर से आ रहे हो फिर? हाँ मैं तो अंदर से आ रहा हूँ। अच्छा फुल नारे लगाए अंदर? बहुत, मैं समझ लो 3 घंटे से अंदर था। केजरीवाल अंदर ही है? अंदर बैठा हुआ नहीं, जेल में। केजरीवाल अंदर तो नहीं आया अभी? नहीं अभी नहीं है, जेल में। यार आप कांग्रेस वाले भी मजे ले रहे हो यार, इसके क्या चक्कर है? अच्छा फिर भाग गया, ये भाग गया। इस बेचारे को नहीं पता था, इस बेचारे को नहीं पता था कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कौन जेल में कौन छुड़वाएगा। अच्छा हमें पता है, हम कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं, आम आदमी वाले तो मुद्दे नहीं पता होता। अच्छा कांग्रेस वाले सब जानते हैं? कांग्रेस वाले सब जानते हैं, ये तो नई नई पार्टी उछली अभी। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, फिर कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में क्यों है? तो ये गठबंधन कर लिया, मोदी तो हराना है। अच्छा मोदी हरेगा तो जब ही देश बचेगा। अच्छा इसलिए, नहीं तो अदरवाइज है नहीं मामला, अदरवाइज मामला भी है। अच्छा कोई प्यार नहीं है, केजरीवाल के सारे बंदे बंद पड़े हैं। अच्छा अब ये कांग्रेस पार्टी मिलकर छुड़वाएगी और मोदी हाय हाय आज आए हैं केजरीवाल। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र से क्या मतलब है? लोकतंत्र खत्म हो रहा है भाई साहब। हाँ जो हम लोकतंत्र होता क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ। मेरी बात, जो हम करना चाहते हैं, हाँ। जो दुनिया करना चाहती है उसे करने नहीं देना चाहते। अब चाइना जो करना चाहता है वो लोकतंत्र में थोड़े आता है। हम चाइना में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, वही पूछ रहा हूँ। हम कहाँ रहते हैं, मतलब क्या है? अरे दुनिया पे तानाशाही चला रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो रहा है और क्या। लोकतंत्र खत्म हो रहा है उसका मतलब क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ। ये ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, फिर आप घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ लोकतंत्र। सर मैं ये कह रहा हूँ लोकतंत्र, आप बताओ। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। आज इंसान जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। लोकतंत्र में रहते ना हम, जो चाहे हम, जो करना चाहे हम, जो खाए, अपनी मर्जी कर रही है, हम अपना कर रही है, हम अपनी मर्जी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जीने नहीं कर सकते हैं, खत्म ही तो हो रही है। क्या हो रहा है फिर? आईटीओ में हमारा ऑफिस है, पार्टी ऑफिस है, ठीक है, कार्यालय। हमारे नेता वहाँ पे जा नहीं पा रहे, ठीक है। ये क्या है, लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? हाँ, मैं भाई हमारे नेता जो उनको, मेरी बात सुनो, हमारे नेता घरों में अपने, हाँ, उनको किसी ना किसी तरीके से तंग किया जा रहा है, हाँ, ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? है आज जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ अपने पार्टी ऑफिस। प्रूफ भी तो नहीं शो कर रहे हैं, नहीं करेंगे ये भी तो प्रूफ नहीं भाई साहब। ईडी सीबीआई इनके हथियार है, ईडी सीबीआई इनके हथियार है। अच्छा ये उनको अपने हथियार की जगह पे इस्तेमाल कर रही है। पानी पी रहे हैं भैया, क्या नाम है? रमाकांत मिश्रा। दुनिया उधर बैठी है, आप इधर बैठे हैं। मिश्रा जी क्या चल रहा है? वहीं से तो आ रहे हैं। स्ट्रेटजी चल रही है कोई, ऐसे लग रहा है कोई मीटिंग चल रही है बढ़िया। केजरीवाल को छुड़ाने के लिए हम लोग सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वही बात चल रही है कि भाई ज्यादती हो रही है बीजेपी की तरफ से। हाँ। वही सारी बातें हम लोगों की चल रही थी यहाँ पे। ये लड़के समर्थन में आए हैं कि मजे लेने आए हैं? इधर आप बैठो, अरे बैठो दो घड़ी, शर्मा जाते हो यार। समर्थन में आए या मजे लेने आए हो? समर्थन में। समर्थन क्या मामला है? क्या मामला है? छुड़ाने आए हम, छुड़ाने आए, समर्थन में आए, छुड़ाने आए सीधा ही। हाँ सीधा यहीं से घर ले जाओगे? हैं अगर भेज देते तो ले जाएंगे घर यहीं से। क्या बात है, क्या बात। अच्छा बहुत बढ़िया, ले रहे हो फुल समर्थन में, बहुत बढ़िया। अच्छा कौन सी क्लास में हो? मैं 12th पास। 12th पास हो जी? वोट बन गया? नहीं अभी नहीं बना, फिर भी सपोर्टर हो जी? किस तरह का सपोर्ट है मन में कि क्यों सपोर्ट करते हैं? जिस तरह का वो चाहेंगे हम दे देंगे सपोर्ट उन्हें। कैसा सपोर्ट? जिस तरह का वो चाहेंगे हम दे देंगे उन्हें। तन मन धन से, तन मन धन से, बिल्कुल। काका ने दे दिया तो वैसे पूरा क्यों, पूरा क्यों कि ये वाला चाहिए सपोर्ट, और आगे लेके जाओगे भी? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। काका पानी वानी पिए कि नहीं? पानी पीने आए थे, आप आ गए तो फिर आपका पहले जरूरी था भाई। काका लग रहा है कि छूट जाएंगे केजरीवाल?
अब इतने पद ना छूटे, इसके बाद इससे बड़ा किया जाएगा, कुछ अलग किया जाएगा। यार मुझे एक चीज़ बताओ, केजरीवाल जी जिन नेताओं को भ्रष्ट बोलते थे आज उन्हीं के साथ गठबंधन है, क्या चल रहा है भाई? जब सारी पार्टियों को बीजेपी परेशान कर रही है तो सारे दुखी हैं, तो इसलिए सब केजरीवाल के साथ है। जैसे भी होगा केजरीवाल को इन्हें बीजेपी वालों को छोड़ना ही होगा। तो सिर्फ केजरीवाल को ही क्यों छोड़वाना है? बाकी तीन नेता इतने वक्त से अंदर है, उनके वो छूट जाएंगे तो सारे छूट जाएंगे, पहले केजरीवाल फिर वो। अच्छा इकट्ठे नहीं, इकट्ठा छूट जाए और अच्छी बात है, सोने में सुहागा। सोने में सुहागा तो लग रहा है इस बार दबाव डाल दोगे पूरा पूरा पूरा। केजरीवाल को छोड़वाना है, सरप्राइज अनकट, सब्सक्राइब अनकट, सब्सक्राइब अनकट, केजरीवाल तेरी सोच दे। आम आदमी पार्टी। अभी हम पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, एक तरफ भाजपा ने पोस्टर लगा रखे हैं बड़े बड़े, कह रहे हैं, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ, और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। तो इसमें क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचार का कोई एंगल है भी कि नहीं है? क्यों हुई है गिरफ्तारी? है सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो खुद मोदी जी हैं, सबको पता है। आज तक जिन्होंने भी जितने भी उनके पास नेता आए हैं सारे भ्रष्टाचार वाले हैं। अगर केजरीवाल जी ऐसे होते तो उनके पास साबित करो ना, कुछ मिलता क्यों नहीं है इनके पास? कुछ जितने भी लीडरों को जब भी कोई उठाने वाला होता है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से पकड़े जाते हैं तो सब इनमें आके मुक्त हो जाते हैं। ये तो सब आपको भी पता है ना, ये सब बीजेपी के अपने ड्रामे हैं, ये ख़त्म नहीं होते। ये चाहते हैं कि आने वाला जो फेस है, पीएम फेस है, वो केजरीवाल साहब है। ये तो दबाने के लिए एक सब कुछ हो रहा है। मोदी जी को ये मालूम हो गया कि केजरीवाल मुझे को पूरी तरह दिल्ली में सातों से डरा रहा है, इसलिए उनको चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है कि केजरीवाल अंदर रहेंगे तो ये चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। संजय सिंह अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है, स्टार प्रचारक सब अंदर कर दिए हैं, लेकिन केजरीवाल को जितना अंदर करेंगे सब स्टार प्रचारक है, पूरी दिल्ली स्टार प्रचारक है, पूरा देश स्टार प्रचारक है, किस किस को रोकेंगे मोदी जी? क्या चाहते हैं आप लोग? आजाद मुल्क देखना चाहते हैं सभी लोग, ये नहीं चाहते कि जैसे गुंडा राज हो रहा है ये बंद होना चाहिए। जब अपनी बारी होती है तो डंडा उठाते हैं, ये गुंडा राज हो रहा है ना ये, तो सभी लोग इससे परेशान हैं। आम लोगों से पूछो ना, एक नौकरी दी इन्होंने, कोई वादा पूरा किया है? हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार वादा करके गारंटी करके पूरा नहीं करती उसे इलेक्शन में नहीं उतरने देना चाहिए। केजरीवाल साहब जो भी वादा करते हैं गारंटी देते हैं वो पूरी होती है। पंजाब में 4 गारंटियाँ दी हैं, 3 पूरी कर चुके हैं, आने वाले समय में 4थी भी पूरी हो जाएगी। सभी लोग खुश हैं, पंजाब सारा आम आदमी पार्टी से खुश है, पूरा देश ही खुश है। अभी सभी लोग चाहते हैं कि एक बार मौका इनको मिले। बस का टिकट फ्री, हर चीज़, बिजली का बिल जीरो आता है, सब होगा। लेकिन केजरीवाल बहुत बढ़िया आदमी हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो है ना बहुत नाजायज हो गया है, ऊपर वाले ने भेजा इनको एक। अच्छा हाँ, एक चीज़ हमने जो नोटिस की ना, हम लोग इस वक्त रामलीला जो मैदान है उससे बिल्कुल पास वाले चौराहे पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर चारों तरफ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं पार्टीज़ के, लेकिन बड़े बड़े जो कटआउट्स हैं वो सिर्फ कांग्रेस के ही दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, लेकिन केजरीवाल का एक भी कटआउट यहाँ पर बड़ा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि एक जो पोस्टर वॉर है ना, वो भी लग रहा है दोनों पार्टियों में फिलहाल चल रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। केजरीवाल को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मोदी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। केजरीवाल जी को कहां से निकालना है? केजरीवाल जेल से। जेल से कौन निकाले केजरीवाल जी को जेल से? हम निकालेंगे जेल। अच्छा एक बार बोला सब्सक्राइब अनकट, सब्सक्राइब अनकट। तो हमने आपको दिखाई इंडिया महागठबंधन की महारैली, जिसमें केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। यहां पर ना सिर्फ कांग्रेस, सीपीआईएम, बल्कि आरजेडी से लेकर आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता पहुंचा हुआ है और एक ही मांग है कि केजरीवाल जी को बाहर निकाला जाए। हालांकि बाकी नेताओं को बाहर निकालने की जब बात होती है तो उनका कहना है पहले केजरीवाल जी बाहर आ जाए, बाकी नेता तो पीछे पीछे बाहर आते ही रहेंगे। तो भैया ये है पूरा माहौल इस महारैली का। हमने लोगों से बात की, उनसे जाना कि उनके क्या मुद्दे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और मज़ेदार कंटेंट के लिए देखते रहिए अनकट।